वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करेंगे जो अभी आपने देखा। सबसे पहले इसके लिए हमें कैपकट ऐप की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपने कैपकट को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लेना है और क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑल मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अपने चला जाता हूँ फोटो सेक्शन में और वहाँ से कुछ तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो वाले सेक्शन पे चलाऊँगा और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ये वाली हम ले लेंगे ऑडियो और इम्पोर्ट ओनली ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसको मैं थोड़ा इधर पीछे ले आता हूँ, ठीक है अपने, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया एडजस्ट। अब आपने क्या करना है, दोनों फिंगर की मदद से इसको कर लेना है जूम। जूम करने के बाद आपने यहाँ पर जो ये पहले फर्स्ट बीट है, यहाँ पर आपने फर्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करना है। सेपलेट के ऊपर क्लिक करके जो एक्स्ट्रा पार्ट इसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, सेपरेट के ऊपर क्लिक करूँगा और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी से वीडियो को फास्ट मोड पर लगा के इनको कटआउट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों ये हमारे लास्ट कट है, हम इसको इधर ऐड कर देते हैं कट को, ठीक है। यहाँ से सेपरेट वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद हम डिलीट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट को, तो ये हमारा क्लियर होगा। अब ये एंड स्क्रीन है तो इसको भी आपने डिलीट कर देना है। तो आपने वापस चले आना है दोस्तों। देख लें, मैं इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब के मुताबिक बना सकते हैं। आपने किसके लिए बनाना है, टिकटॉक के लिए बनाना है, तो आपने यहाँ पर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपने सेटिंग कर लेनी है फ्रेम की। फॉर्मेट पर आने के बाद आपने ये वाली फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये 9.16 के ऊपर क्लिक करके दोनों फिंगर की मदद से आपने जूम कर लेना है। तो मैं तो बना रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो ये मेरी पहले ही रेजोल्यूशन वगैरह सिलेक्टेड है। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये अब इसके ऊपर लगानी है बीट्स। तो बीट्स तो हमने बीट के साथ कट कर दिया, अब इनके ऊपर लगाना है एनिमेशन। तो एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपने आना है, कॉम्बो पे चले जाना है। कॉम्बो पर जाने के बाद आपने यहाँ पर पेंडुलम वन, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। सेकेंड नंबर वाली बीट के ऊपर आना है, ये जो सेकेंड बीट है इसके ऊपर आना है, कॉम्बो पर चले जाना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है पेंडुलम टू। मैं वॉइस को बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेंडुलम टू सेलेक्ट करना है, तो मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर पेंडुलम टू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फोटो के ऊपर पेंडुलम वन, आपने इसी तरीके से ये सेलेक्ट कर लेना है, पेंडुलम वन एंड टू, वन एंड टू, ठीक है। ये वन, अब यहीं पर ये टू, ठीक है। आपने ये सारे लगा लेने, तो मैं जल्दी से ये लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने ये लगा लिया, ये देखिए आपके सामने स्टेटस बन कर रेडी है। तो दोस्तों आपने अब इसको एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है, आपने यहाँ पर करना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गई, तो ये मेरी अभी डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।